मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन सबसे पहले नबी की बारगाह में दिल लगा के बावाज़े बुलंद दुरूदे पाक की डाली पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलाम अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत से उलमाए किराम मेरी नजरों में आ बसे हैं, मैं चेहरा देखता हूँ तो बस यूं ही उनसे दुआएं लेता हूँ, क्योंकि मुझे नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे सरपरस्त है, ये मेरे रहनुमा है। मैं इनकी दुआएं लेते हुए, इनके कदमों का बोसा लेते हुए मैं कुछ शेर पेश करता हूँ, लेकिन मैंने मौजू कुछ और बना के आया था। ये खामोशी देखा तो मैं अपने मनपसंद का वो शेर पढ़ता हूँ जो आप लोग शायद यूट्यूब के जरिए से सुने हों। पिपरौली बाजार में भी बहुत सारे लोग गए होंगे, यहाँ से कुछ नौजवान हमें एक कलाम की फरमाइश किए हैं जो मेरे वालिद साहब छुक 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 रेल चलाई है, तो इंशाल्लाह मैं वो कलाम भी पढ़ूंगा। लेकिन एक मतला और एक शेर मोहब्बत के साथ। माइक वाले थोड़ा ठीक कीजिएगा, बेस को कम कीजिएगा, ये जो धम की आवाज आ रही है आपके साउंड में से उसको बंद कीजिए, बेस बंद करें, वॉल्यूम आप बढ़ाएं, क्योंकि ये बेस जो है बुजुर्ग हजरात को बहुत नुकसान करता है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं उलमाए किराम से इजाजत देते हुए दुआएं तलब। यही तो मेरी ताकत है, वलमा ही तो मेरी ताकत है। रिवाली साहब फरमाते हैं, बेटा कहीं भी जाना, इनसे ज्यादा से ज्यादा दुआएं लेते रहना। आज वो 75-76 साल की उम्र उनकी हो गई है, अभी वो नबी की तारीफ कर रहे हैं, यही उलमाए किराम की दुआओं की बदौलत। इसीलिए कभी वलमा को हकीर मत समझना, वरना आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। फैसला आप कीजिएगा, एक मतलब और एक शेर। अर्जी जमीन नहीं होती, आप बोले आप, हाँ इंशाल्लाह मैं कुछ देर तक नबी की तारीफ करूंगा, लेकिन बोले इसे शर्त शर्त। अर्जी जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, बस यही मैं चाहता हूँ। हाँ मोहब्बत के साथ। अरे जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, मुस्तफा नहीं हो, का भी सिलसिला यहाँ है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं अब वो शेर सुनो जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा मोहतरम, अब वो शेर सुन लो। करबला का वो वजूद ही नहीं होता कि मेरे इमाम का एहसान दे मोहब्बत के साथ। अरे खाक के फला कितनी मौत पर नहीं होती, अरे खाक के फला कितनी मौत पर नहीं होती, अरे कर मेरा हुसैन से पर मेहरबान नहीं होता। अल्लाह भैया ये वाला पंखा मेरी तरफ मत कीजिएगा, हाँ उस तरफ कर दो आप, ये सही है, क्योंकि ये आवाज अंदर से पसीना ऊपर से ये परेशान कर देता है, इसलिए हटा दे तो ज्यादा बेहतर है, आवाज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ सही है ना, और पढ़ूं कुछ शेर और पढ़ता हूँ,
मोहब्बतों के साथ अच्छा लग गया मुझे और मुझे अंदाजा लग गया कि कितनी देर तक मुझे नबी की तारीफ करनी है। मुझे अंदाजा लग गया मोहतरम, मोहब्बतों के साथ मैं कुछ शेर और पेश करता हूँ। नवाब भाई माइक चल रहा है ना, माइक चल रहा है तो इस्तेमाल करें आप। दुनिया मेरे नबी की, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। मैं लहजा बदल रहा हूँ। दुनिया मेरे नबी की, क्या कहना उकबा मेरे नबी का, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अरे दुनिया मेरे नबी, उकबा मेरे नबी का, दुनिया मेरे नबी की, उकबा मेरे नबी का, माशाल्लाह। एक शेर और, अचानक की आवाज डिप क्यों हो गई भाई? पिछेड़ा मत करे, बहुत अच्छा माइक आपका चल रहा है। स्टार्टिंग का जैसे आपका था वैसे कीजिए, ये अचानक आवाज कम हो गई, ये स्विच तो नहीं उड़ गई। सुने, अरे चूमे हम उनकी जाली तो शिर्क कह रहे हैं, अरे चूमे हम उनकी जाली तो शिर्क कह रहे हैं, जिब्रील जो होते थे तलवार मेरे नबी का, दुनिया मेरे नबी उकबा मेरे नबी का, क्या कहना। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुने, मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, ऐसे ही आते रहो बस, मेरा हौसला बुलंद होता रहे, है कि नहीं? याद आई है अपनी खताएं, क्या कहना माशाल्लाह। अरे जब सजा का ख्याल आ गया है, अरे याद आई है अपनी खताएं, जब सजा का ख्याल आ गया है, याद आई है अपनी खताएं, जब सजा का ख्याल आ गया है, याद आई है अपनी खताएं, जब सजा का ख्याल आ गया है, मेरे पीछे दिल को वहीं पे मुस्तफा का ख्याल आ गया, मेरे पीछे दिल को वहीं पे मुस्तफा का ख्याल आ गया। क्या कहना। अब मैं बंद पढ़ता हूँ,
इस कलाम को मैं बहुत वज्द में आके पढ़ता हूँ, तब जब मेरे वालिद साहब मिंबर पे हुआ करते हैं, बड़ी दुआएं मिलती है। अगर बाप, यकीनन कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को दिल से दुआएं ना करता हो। इसलिए वालदेन की दुआएं लेकर बुलंदी हासिल कर लिया करो मोहब्बत के साथ स्पंद से। अरे जो तो मरियम भी है हाजरा भी, अरे नेको खातून है आसिया भी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अरे जो तो मरियम भी है हाजरा भी, नेको खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है फातिमा का ख्याल आ गया। नारे रिसाला फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। शायद इसका रिकॉर्ड टूटेगा, माशाल्लाह। और एक बंद सुने आप, अब मैं ऐसा बंद पढ़ रहा हूँ मोहतरम, जो मिसरे उला पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह मिसरे सानी आप खुद कहोगे कि इसको ले लो, यही इसका मिसरे सानी होगा। शेर शेर के साथ। अरे जुल्म का जब रुका सिलसिला था, और अरे जुल्म का जब रुका सिलसिला था, और तेरा सब्र का सिलसिला था। बात जब हो पाती लिया करबला का ख्याल आ गया। बात जब हो करबला का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैनों दिल को वहीं पे मुस्तफा का ख्याल आ गया है। अब मैं चाहता हूँ वो कलाम पढ़ दूँ मुजूर, उसके बाद फिर मैं मनकबत के कुछ शेर पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिलो जान लगा कर अपना मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। पढ़े आप लोग अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसको बांध कर रखिएगा। या तैयारी करें क्या? तो दो दो ये क्या तोफ की तरह रखे आप, ये तो चलेगा ही। हाँ चलिए, मैं वो सुन्नी रेल चला देता हूँ, है ना, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। अरे छुप रेल चली है उम्मत की, क्या कहना, अहले सुन्नती चली है उम्मत की, अहले सुन्नती दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर भले छुपने चली है उम्मत की, अहले सुन्नती। बंद सुने आप, लोग बुजुर्ग हजरात कहा करते हैं जब आपके वालिद साहब यूं ही 30-35 साल के थे तो बस यूं ही पढ़ा करते थे जैसे आप पढ़ रहे हैं, यकीनन वही अंदाज वही आवाज। बस मैं दुआएं चाहता हूँ आप सब बेहबाब से सुने। चलेंगे गुलबर्गा की जानिब हाजी मलंग भी जाना है, हाजी अली के रोजे से मखदूम आना है, फाजल सा
कहना। माशाल्लाह खुश रहो आप। एक बंद और चलिए मैं सिकरी बाजार से आप लोगों में सफर करवा दूं अजमेर शरीफ की। सफर कर ले आप मोहब्बत के साथ, लेकिन एक बंद सुनने के बाद बैठे मत रहो, सुभान अल्लाह कह दिया करो, अपने लबों को हिला के मोहब्बतों के साथ मुलाकात फरमाएं। सिकरीगंज, अरे रेल के एक डिब्बे में बैठे वली कुतुब अब्दाल भी है, इसी में बैठे शाह मूलम हजरत बाबा हिलाल भी है, इसी में बैठे कमल अली दरवे शिवापुरी के राजा, सब को ठोकरे चली है उम्मत की अहले सुन्नत। मैं मक्ता पर दूं, भाई मेरे कहाँ थे आप, यही तो चाहता हूँ। माशाल्लाह मैं मक्ता पर दूं, मेरे वाली साहब क्या फरमाते हैं कि आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी है। हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब जाना है मोहतरम तो अपने आमाल ठीक करके जाओ, और वो आमाल ठीक कैसे होंगे मेरे वाली साहब का ये बंद मुलाहजा फरमाए आप मोहब्बतों के साथ। अरे सोच लो इस दुनिया से एक दिन तुमको जाना है, हश्र में होकर पेश खुदा से अपने मुंह को दिखाना है, रहो इसी की तैयारी में आओ जमा का माल करो, और इसी पर लाल पिताए में ताजा ईमान करो, नमाज रो छोटे चली है उम्मत की अहले सुन्नत। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े तू 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 छोटे चली है उम्मत की अहले सुन्नत। बस करूं और पढ़ूं तो कैसे मानूं, खामोशी है, उठाओ हाथों को, बोलो या हुसैन, और बोलो या हुसैन, पूरा मजमा बोलो या हुसैन, या हुसैन, क्या कहना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अरे दुनिया ये आपकी है, जमाना है आपका, अरे दुनिया ये आपकी है, जमाना है आपका, नबियों का जो नबी है वो ना है आपका, जा या हुसैन, ये बंदा नारा लगाया ना, ये नौजवान तबका है। मैं एक शेर सिकरी के नौजवानों के हवाले करता हूँ। अरे अब्बास का वलम कभी छुपने न पाएगा, मुझे सुन के दिखाए, अरे अब्बास का अलम कभी छुपने न पाएगा, जो पिता गुलाम हर दम उठाएगा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चचा यही रहते हैं आप सिकरी बाजार के, सिकरीगंज के,
अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह मेरे बाद आप पढ़िएगा, दो शेर पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा आप ये इश्क है इनका, जो कहते हैं बढ़िया अंदाज और आवाज नहीं देखी जाती, इश्क देखा जाता है कि नहीं। जब कोई मोहब्बत करता है तो होश में रहता है, लेकिन जब इश्क करता है नबी से तो पागल हो जाता है। सुने मोहब्बत के साथ, अरे जो भी गली हुसैन में आंसू बहाएगा, क्या कहना, अरे जो भी गली हुसैन में आंसू बहाएगा, ईमान कह रहा है वो जन्नत में जाएगा। जा हुसैन, जा हुसैन, जा हुसैन, जा हुसैन, जा हुसैन, जा हुसैन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ शेर और फरमाओ, देखिए मूड बनता जा रहा है। अच्छा मेरे बात हजरत का खिताब होगा ना, तो जब तक आते ही नहीं, जब तक मैं पढ़ता रहूं जी, और पढ़ते पढ़ते मेरी मौत हो जाए, दुआ ऐसा कर दीजिए आप, यकीनन दुआएं कर दीजिए कि मैं नबी की नात पढ़ते पढ़ते मेरी मौत हो जाए, और जनाजा आप लोग पढ़वा दीजिएगा, है कि नहीं? क्योंकि नबी की नात पढ़ते पढ़ते अगर मेरी मौत हो जाए तो इससे अच्छी मौत मेरे लिए नहीं है, है कि नहीं? क्या होगा खुद ही सोचिए, अरे रुतबा हुसैन का। अरे चचा आप ही तो हो जो मुझे जिला के रखे हो, अरे क्या हो खुद ही सोचिए, रुतबा हुसैन का चूमा चूमा रसूल पाक ने चेहरा हुसैन का, क्या हो खुद ही सोचिए, रुतबा हुसैन का। अल्लाह अकबर। एक शेर और मुलाहजा फरमाए, आप सबके कदमों का बोसा लेता हूँ, ये खूबसूरत शेर आप सबके हवाले कर देता हूँ, मोहब्बतों के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। घबरा के फौत शान फकर भागने लगी, अरे घबरा के फौत शान फकर भागने लगी, चचा आइए जल्दी जल्दी आइए, बेटा हुसैन का माशाल्लाह। और एक पल एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हुजूर कि मैं दुआएं करता हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, मेरा एक शेर फिर से पढ़ो। घबरा के फौत शान फकर भागने लगी, आप लोग खड़े हो जाएं। नारे रसूल, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खड़े हैं आप हजरात, थोड़ा आगे आ जाएंगे। जितने करीब से देखेंगे उतनी अच्छा लगेगा आपको, और वलमा को देखना भी इबादत, इन्हें सुनना भी इबादत है। खतीबे हिंदुस्तान की आमद आमद है, चेहरे की जियारत करें इंशाल्लाह। अभी मेरे बाद उनका खिताब होगा, माइक थोड़ा और तेज करें भाई, कम कर दिया आप।
हाँ खींचने ना पाए, बहुत अच्छा माइक चल रहा आपका। मैंने एक जुमला बोला कि लोग कहते हैं मैं दुआएं करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। मेरा एक शेर शुरू सुखी गंज वालों, अगर यकीनन इस शेर में सदाकत है तो मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए। मुझे ये हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि वो जेरा कहला बार बार पढ़िएगा, मैं अपने वालिद साहब का वो कलाम भी पढ़ूंगा, क्योंकि बुजुर्गों का हुक्म करना मेरे लिए इससे बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती है कि नहीं। मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाओ। चाहो जब कबूल करे मेरी है दुआ, चाहो जब कबूल करे मेरी है दुआ, अपनी अपनी खुद ही सोच लो रुतबा हुसैन का। अरे अरे भाई, अरे कहाँ थे आप लोग? आपकी ट्रेन कहीं फंसी हुई थी क्या? माशाल्लाह चचा मोहतरम आप जल्दी आए, अल्लाह 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 खुश रखे आपके। अरे अरे नहीं नहीं आइए आइए, मैंने देख लिया, वापस मत जाइए। अरे जियरा कहला, अरे जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे। अरे जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया। अरे जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे। क्या कहना चचा मोहतरम, आपका हुक्म था इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। दुआएं आपसे चाहिए मुझे मोहब्बत के साथ। अरे भैया जिंदाबाद, बस यूं ही आते रहिए। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह प्रिंसिपल हमारे अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब का हुकुम का पालन कर रहा हूँ मैं। मेरी भी महराज हो रही है, आपकी आप लोग सुन भी रहे हो, आप लोग भी महराज हो रही है। सुने मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। अरना चाहिए गया पैसा, अरना हीरा रुपया पैसा, ना हीरा मोतिया आ पढ़ा दो हमरे नैनन की ज्योतिया, क्या तो तुम्हारे दर पे रिजातिया, अब कब लूट जन्नत शुक्रिया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा लगा दो लगा दो। थक गए क्या आप? इसके बाद लगाओगे आप? अच्छा होगा कि जब मेरे वालिद साहब कहीं चंदा करेंगे तो आप नारा मत लगाइएगा, वरना एक ही दो बार लगाएंगे तीसरी बार में आप बैठ जाएंगे, और जो एक बार नारा लगा देते उनसे बार बार सुनते हैं। माशाल्लाह अकेले लेके आए आप, बहुत सारे नोट लेके आइए। सुने मैं बंद पढ़ता हूँ, एक गरीब आशिक रसूल की तरफ क्या होती है वो मुलाहिदा फरमाए। कि जे तुम्हारे द्वारे जाए जब धन बनावा, तुम्हारे द्वारे जाए जब धन बनावा, करे जा मोरा
अपना ही करो इंतजार, हम दिल ना दिलवे अपना। अरे जो हुसैनी दस तेरा है, अरे जो हुसैनी दस तेरा है, जिस पे है आलम फेदा है। ये हुसैनी दस तेरा है, जिस पे है आलम फेदा है। जिसने सीखा ना सर को झुकाना, वो है मौला अली का घराना। जिसने वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। अब मुझे अंदाजा लग गया, ये छुट्टी पे आ गए तो अंदाजा लग गया मुझे है कि नहीं। एक बंद और आखिरी बंद पढ़ के मैं रुखसत हो जाऊंगा। दिल खोल के मुझे दुआ दे दीजिएगा, मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। पहले खत देते उनको बुलाया गया, फिर नबी सादो पर जुल्म उठाया गया। पहले खत देते उनको बुलाया नबी सादो पे जुल्म उठाया गया। अरे शुक्रिया हुजूर, इसी चीज का तुम्हें इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो लम्हा कब आएगा। जी माशाल्लाह, दिल से याद करता हूँ। पहले खत देते उनको बुलाया गया, फिर नबी सादो पे जुल्म उठाया गया। हाय कैसे कर लोगों को उनकी नस्बत को न समझे, जिसकी खो पहले सारा जमाना, वो है मौला अली का घराना। बोलो मौला अली का घराना, बोलो मौला अली का घराना। ऐसा बात तू जाके कहना, ये मकबूले जमाना ये कलाम है। ऐसा बात तू जाके कहना, अरे ये बयान मेरे रोते, ऐसा बात तू जाके कहना। ऐसा बात तू जाके कहना, के बयान में रोते रोते, अरे तेरे हम में मर न जाए। अरे ये गुलाम मर न जाए, ये गुलाम रोते रोते, ऐसा बात तू जाती कहना। अस्सलाम हल्ला करोगे तो भाग जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग। करबला में वो जो प्यासा है कोई और नहीं,
अरे करबला में हो जो प्यासा है कोई और नहीं, करबला में हो जो प्यासा है कोई और नहीं, मेरे आका का नवासा है कोई और नहीं, और एक हटके कर दिया। मैं वो शेर पढ़ता हूँ जब मैं जी जी मैं बोलना, मैंने सोचा था कि मैं उतरूंगा तो बाबू को समझा दूंगा बेरे कैफ ये। और एक चीज ये भी है कि जो मैं कलाम पढ़ जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस शेर पे मैं खुद रोता बहुत हूँ, वो सुन के आप दिखाएं। अरे जिसको चूमा है कई बार मेरे आका ने, अरे जिसको चूमा है कई बार मेरे आका ने, जिसको चूमा है कई बार मेरे आका ने, जिसको अरे जा हुसैया का चेहरा है कोई और नहीं, जा हुसैया का चेहरा है कोई और नहीं। और एक शेर मोहब्बत के साथ मैं आखिरी शेर, यकीनन इसमें दो तीन शेर है लेकिन आखिरी शेर पढ़ के मैं रुखसत हो जाऊंगा, पौने घंटे से जायद हो गए है ना, एक शेर और आखिरी शेर। अरे एक तबस्सुम से जो दुश्मन को फना देता है, अरे एक तबस्सुम से जो दुश्मन को फना देता है, एक तबस्सुम से जो दुश्मन को फना देता है, हाँ वो शक्ति का बेटा है कोई और नहीं, हाँ वो शक्ति का बेटा है कोई और नहीं, करबला में वो जो प्यासा है कोई और नहीं। अस्सलाम वालेकुम।